Assalamualaikum viewers, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ेंगे और उसके साथ इसका पैसिव वॉइस को बनाएंगे कि हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे व्यूअर्स आपको पता है कि इसकी पहचान यह है गागेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो पैसिव वॉइस आपको पता है कि जब भी हम किसी भी टेंस को तब्दील करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाय का इस्तेमाल भी होता है और बीइंग का इस्तेमाल भी कुछ केसेस में होता है कंटिन्यूस में। तो स्टार्ट लेते हैं और आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आपने पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे बनाना है। मैं सबक पढ़ूंगा तो इसका एक्टिव हो जाएगा आई विल read a lesson, I will read a lesson, ठीक है viewers। तो अब हम इसे passive voice में कैसे तब्दील करेंगे। active voice में जो subject होता है वो active होता है, कोई काम शुरू कर रहा होता है, जबकि passive voice में object active नहीं होता। अब हम इसको change करते हैं passive voice में। तो हमने कहा है कि subject ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, कौन सी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगा, टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा विल बी, और बस यही कुछ है। अब देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेसन विल बी, विल है तो इसके साथ क्या है बी, अ लेसन विल बी रेड बाई मी। तो ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह चला गया तो क्या हुआ, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया तो क्या हुआ, ये इसकी आई की ऑब्जेक्टिव हालत हो गई by me, आई my me। नेक्स्ट है तुम झूठ बोलोगे, you will tell a lie, you will tell a lie, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a lie will be told, a lie will be told by you, ठीक है जी, समझ आ रही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तमाम पैसिव वॉइस फिक्रों में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। आखिर में है हम वर्जिश करेंगे, वी विल टेक एक्सरसाइज, वी विल टेक एक्सरसाइज, ये इस तरह भी हो सकता है कि वी शैल टेक एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन शैल हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो लिख देते हैं वी शैल टेक एक्सरसाइज, वी शैल टेक एक्सरसाइज। अब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज विल बी या शैल बी टेकन बाय क्या जाएगा, वी क्या हो जाएगा, अस, एक्सरसाइज विल बी टेकन बाय अस। तो वही बस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।